स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे चैनल साइंस टू टेक्नोलॉजी में। मैं अनुपम विपुल आपका स्वागत करता हूं आज के शो कैमरा ट्यूसडे में। आज हम लोग बात करेंगे स्पाइसी टॉपिक के बारे में, यानी कि 4K वर्सेस 8K। तो ये समझते हैं, तो सबसे पहला एक चीज़ समझना बेहद ज़रूरी है, ये पूरा वीडियो उसी टॉपिक के कोर पे है। इसका प्रिंसिपल समझते हैं, मतलब लॉजिक लगता क्या है। इसे हम लोग कहते हैं पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न। मतलब कि आपने 1 लाख रुपया मिला, ठीक है, आपको एक गाड़ी मिला किसी तरह सेकंड हैंड रोका के मिला, आपने 4-5 लाख, अब आपके पास जैसे मेरी गाड़ी है एस्प्रेसो आ जाती है, अब मैंने एक काम करते थोड़ा हो जाता है, अब आप 20-30 तक जब जा रहे हैं तो आपके पास एक हष्टपुष्ट तंदुरुस्त सीडान आ रही है। अब क्या होगा अगर उससे ऊपर जाने लगे, क्या गाड़ी बेहतर आएगी? हाँ, कितना बेहतर आएगा, यहाँ पे उल्टा पड़ने लगा। यानी कि अब आप दाम करोड़ों करोड़ तक पहुँच जाए, है आपके पास अभी भी सीडान है अभी भी वो उसी स्पीड पर चलेगा, क्योंकि स्पीड अब रोड से लिमिटेड हो जाता है। तो वहीं पे इसी को कहेंगे पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, यानी कि आप पैसा लगाते चले जा रहे हैं लेकिन उसके हिसाब से आपका परफॉर्मेंस, आपका एक्सपीरियंस नहीं बढ़ते जा रहा है। यानी कि आपने 10 मेगापिक्सल कैमरा से 20 पे गए, बम बम बढ़ गया, 20 से 40 पे गए थोड़ा सा बढ़ा, 40 से 60 पे गए, 60 से 100 पे चले गए, तो ये होने लगता है। तो इसी को कहते हैं पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, और ये एक यूनिवर्सल इकोनॉमिकल फिजिकल चीज़ है। मतलब ये हर एक चीज़ में अप्लाई होता है, साइंस में, इंजीनियरिंग में, रॉकेटरी में, मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स में, हर एक चीज़ में अप्लाई होता है। तो यही समझिए कि आपके पास पैसा मान लीजिए भरपुष्ट है, आप एकदम अपना समझ के पैसा बहा सकते हैं, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आपका बहुत थोड़ा सा आएगा, और एक पॉइंट के बाद ये होगा कि आप लटक जाएंगे, मतलब आप कितनों पैसा दे देंगे कोई खास फर्क पड़ेगा नहीं। तो यही समझिए, और इसका आम आदमी पे, मतलब अगर आपके पास, मतलब समझिए लक्ष्मी का बहुत बड़ा आशीर्वाद नहीं है, गंगा नहीं बह रही है पैसों की, उस जगह पर खतरा ये होता है कि आप गलत जगह पर पैसा लगा सकते हैं, क्योंकि कैमरा हमेशा एक छोटा सा हिस्सा होता है एक बड़े प्रोडक्शन का। तो वो गलत जगह से अगर पैसा खींच लिया तो आपका प्रोडक्शन, कैमरा का क्वालिटी होते हुए भी बढ़िया लटक जाएगा। तो ये समझना बहुत ज़रूरी है, हर चीज़ में अप्लाई होता है, चाहे ये मोबाइल का कैमरा हो, चाहे एक्चुअल मिररलेस हो, चाहे मतलब सैटेलाइट कैमरा हो, हर चीज़ में ये लागू होता है, ये यूनिवर्सल है और इससे नहीं बचा जा सकता। तो ये समझना, दिमाग में रखना बहुत ज़रूरी है कि एक हद तक आप पैसा देते जाएंगे आपको बम बम चीज़ मिलते जाएगा, उसके बाद वो कितना और बेहतर हो रहा है वो कम हो जाएगा, और उसके एक पॉइंट के बाद कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा, बस पैसा खर्च कर रहे हो। जैसे कि सोने का आईफोन ले लेना, ठीक है, लेकिन आईफोन आईफोन ही है, तो वही बात हो जाता है। अब बात करते हैं वीडियो में, तो जिस पे ये टॉपिक है, तो वीडियो के बारे में ये समझिए कि सबसे बड़ा अंतर हमारे वीडियो की दुनिया में आया था जब SD से HD में चले गए। SD जो मतलब का पुराना दूरदर्शन, शक्तिमान, ये सब SD में बनाया गया था। तो अगर आप किसी भी आम आदमी को आसानी से नॉर्मली बताएंगे ये SD है HD है, आपको बताने की ज़रूरत नहीं, वो देख के ही समझ जाएगा। तो ये बहुत बड़ा जंप था, मतलब कुछ नहीं दिख रहा है, जैसे धुंधला से दिख रहा है वो डिटेल हो गया। ढंग का HD बहुत टाइम तक चलता है, मतलब आपके बहुत सारे पिक्चर भी 2K में ही मास्टर करते हैं। 2K मतलब फुल HD से थोड़ा सा बड़ा हो या थोड़ा सा वाइट हो सकता है, तो समझ लीजिए फुल HD पे पिक्चर्स चलते हैं जो कि मतलब 100-100 इंच पे दिखाया जाता है या उससे भी बड़े पर्दे पर दिखाया जाता है, कोई टेंशन नहीं। मतलब SD से HD में बहुत बड़ा अंतर आया, तो सबसे बड़ा अंतर था ये, मतलब समझिए आदमी आंख मूंद करके ये SD है ये HD है तुरंत बता लेता है। तो फिर हम HD से ऊपर गए, HD से ऊपर जाके हम लोग 4K में आए, जो अभी मार्केट में आराम से मिल सकता है अगर आपके पास पॉकेट है तो। लेकिन यहीं पे तिकड़म आ रहा है, जैसे कि ये TV है फुल HD का, यही साइज से अगर हम 4K TV ले लेते हैं क्या वो इससे बेहतर होगा? हाँ। क्या वो आप आंख मूंद करके बता लेंगे, मतलब बगल से गुजर रहे थे ये मतलब ये है नॉर्मल है ये है 4K? नहीं, बहुत कम ही लोग बता पाएंगे। अब वहीं पे ठीक है, अब मान लीजिए यही TV यही साइज में 4K था और आप इसको 8K में बदल दिए, क्या आप अंतर बता पाएंगे? ये जवाब एकदम कम है, मतलब HD से 4K में कुछ लोग तो अंतर बता ही पाते हैं, मतलब कहिए 20 से 30% लोग भले अंतर बता लें, वो नंबर लगभग ना के बराबर हो जाएगा 4K से 8K में। और ये आप देख सकते हैं, TV मैन्युफैक्चरर्स को, पूरी की पूरी इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को समझ में आ रहा है कि रेजोल्यूशन बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, क्योंकि हम लोग देखें SD से HD के पीछे खूब तेजी से भागे, HD से 4K के पीछे उतने स्पीड से भागे, लेकिन 4K से 8K में नहीं भाग रहे, अब जा रहे HDR में, क्योंकि समझ में आ गया कि रेजोल्यूशन बढ़ाने में वो उतना मतलब फील नहीं आ रहा है, जो मतलब SD से HD में सबसे बड़ा जम था, मतलब कुछ नहीं से बम बम हो गया, अब बम बम से 4K में और पॉलिश हो गया, ठीक है, लेकिन पॉलिश है बम बम है उसके ऊपर आप क्या लगाओगे? तो यही ये बात समझना जरूरी है, अब पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न आ गया, क्या इसमें डिटेल ज़्यादा है? हाँ। क्या इसमें थोड़ा सा बेटर कॉन्ट्रास्ट है? इस कुछ थोड़ा सा बेटर, हाँ, एकदम मैथमेटिकली है, मतलब आप साइड बाई साइड लगा के एकदम जूम करके 400% मैग्नीफाई करके दिखाएंगे वीडियो में तो दिख जाएगा, ये बात एकदम गलत नहीं है,
समझे, क्योंकि वो मतलब आपने बहुत ज़्यादा खर्च किया और बहुत थोड़ा बेनिफिट आया। पिक्चर्स हमें मतलब यानी सेल्समैन के डॉक्यूमेंट्स में या ब्रोशर्स में दिखा देंगे, 4K में कुछ नहीं दिख रहा, टट्टी दिख रहा है, 8K में सब गदगद दिख रहा है, वैसा रियल लाइफ में नहीं होता है। और अगर आपको साइड बाई साइड कंपेरिजन नहीं दिखाएं, आप नहीं बता पाएंगे, ये सबसे बड़ा बात है। इसीलिए मैं बार बार ये SD टू HD बता रहा हूँ, SD वीडियो क्लिप, HD वीडियो क्लिप, आपको कंपेरिजन का भी जरूरत नहीं, आप दूर से बता लोगे। वहीं पे 4K और 8K के बीच में बहुत लोग फिसल जाएंगे, और HD टू 4K में नहीं फिसल जाएंगे, और खास करके अगर HD ढंग से किया गया तो ये समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये वही समझ रहे कि मतलब आपका जितना आपने खर्च किया, मतलब आपका एक फुल HD कैमरा अच्छा दाम में ठीक ठाक निपट जा रहा है, ठीक है। आपने 4K के लिए थोड़ा सा मेहनत किया, थोड़ा पैसा जमा किया, कुछ लाख में अब आ गए, ठीक, 4K में जाए। अब 8K के लिए आपको बहुत ज़्यादा खर्च करना पड़ा, क्या उस हिसाब से आप डिटेल देख रहे हैं? नहीं, अब आप पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न में आ गए। तो इस तरह का साइज चार्ट जो आपको हर जगह दिखा रहे हो, 4K बस इतना है, 8K इतना बड़ा हो जाता है, वैसा नहीं होता। मतलब कहने को आप 4K का मतलब हो जाता है करीब करीब 8 मेगापिक्सल, और 8K का मतलब 33 मेगापिक्सल। तो ऐसा नहीं है कि आप न्यूज़पेपर रखे हैं, मान लीजिए 10 मीटर दूरी पर न्यूज़पेपर रखे हैं, उसमें न्यूज़पेपर में जनरली अलग अलग फॉन्ट्स होते हैं, छोटे छोटे, बहुत छोटे तक चले जाते हैं। तो ऐसा नहीं हो कि 8K में बहुत छोटा वाला पढ़ पा रहे हैं और 4K में दिख ही नहीं रहा है, वही होगा, थोड़ा सा क्लैरिटी बढ़ जाएगी। तो ये समझना बेहद ज़रूरी है आपको, मतलब HD से फुल HD में तुरंत रहा। और अभी तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप कुछ भी कर रहे हो तो फुल HD में ही कर रहे हो। फुल HD से 4K में जाना चाहें कर सकते हैं, थोड़ा सा खर्चा बढ़ेगा, फजीहत बढ़ेगा, लेकिन उससे थोड़ा सा लोगों को असर दिखेगा। लेकिन अब अगर बात होता है नहीं मेरे पास 4K है, मैं 4K से 8K में कूदूँ, ये फायदेमंद नहीं साबित होगा, क्योंकि आपका बाकी सारा चीज़ खर्चा तो बढ़ ही जाएगा, लेकिन वो उतना देगा नहीं। क्या मतलब, आपने आप 4 गुना ज़्यादा खर्च कर रहे हैं पर शूटिंग पे, और वो 4 गुना बेहतर क्वालिटी नहीं आएगी। इसीलिए सब लोग HDR के पीछे भागने लगे हैं। और यहाँ पे समझिए, भले आपका क्वालिटी उतना नहीं है, फाइल साइज़ ज़रूर भागेगा, और फाइल साइज़ से हर चीज़ पर फ़र्क पड़ता है। फाइल साइज़ एक्सपोनेंशियली ग्रो करता जाए, मैंने बताया 8 मेगापिक्सल का फ्रेम आता था, वहाँ पर अब आपका 33 मेगापिक्सल का पर फ्रेम आ रहा है, तो समझ लीजिए कि बम बम भागने वाला है फाइल साइज़, तो आपका अपना समझ के बहने लगेगा। तो उसमें कोई दिक्कत नहीं, मतलब आपका बैंड बच जाने वाला हार्ड डिस्क का। और उससे बात ये समझती है कि उसके अब एडिटिंग करने में भी दिक्कत होगा। जनरली हम लोग एडिटिंग करते हैं, मतलब सिनेमा इंडस्ट्री में, मूवी इंडस्ट्री में, प्रॉक्सी फाइल बना के। लेकिन प्रॉक्सी किसी को बनाना पड़ता है, क्योंकि अगर जैसे मान लीजिए आप कैमरा लेते हैं, सोनी A7S Mark IV लेते हैं, Mark III लेते हैं, तो उसमें आपको दोनों में रिडंडेंट रिकॉर्डिंग मिलेगा, प्रॉक्सी नहीं कर पाएगा साथ में। या आप मान लीजिए एक्सटर्नल रिकॉर्डर लगाते हैं, प्रॉक्सी करना पड़ता है, तो फजीयत आप एक्स्ट्रा ऐड कर रहे हो। प्रॉक्सी में सब काम करो, फिर कलरिस्ट के पास एक्सवर्ल्ड फाइल दो, मतलब ये सब एक्स्ट्रा फजीयत है। लोग फजीयत से बचना चाहते हैं, और मतलब समझ में आता है आपके पास आ रही है, अलेक्सा है, ये सब मैं कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन तब भी लोग चाहेंगे कि भैया मैं फजीयत ना लूँ, तो वो फजीयत आपको देना। और प्लस आप मान लीजिए प्रॉक्सी फाइल का फायदा उठा के एडिटिंग मस्त कर ले रहे, बम बम, रेंडरिंग के टाइम में आप क्या बचाएंगे? रेंडरिंग के टाइम पर आप घूम फिर के वहीं आ जाएंगे जहाँ से चले थे। तो इसीलिए एडिटिंग फजीयत वाला हो जाता है। और जिनके लिए पैसों की कीमत है, कि मतलब आज आपने शूट किया, कल आप एडिटिंग करना चाहते हो, परसों डिलीवरी देना चाह रहे हो, ये नहीं कर पाएंगे भाई। हाँ, रेंडर हो रहा है, हो रहा है, ये हो रहा है, और मान लीजिए रेंडर करने के बाद आपको दिखा रहे, क्योंकि आप प्रॉक्सी फाइल में काम कर रहे थे, आपको एग्जैक्ट फीडबैक नहीं मिल रहा था कि मतलब जो आपने मतलब गेन बढ़ा दिया, ये सोच के कि मतलब प्रॉक्सी में तो ठीक दिख रहा है, जब फाइनल करेंगे तो अभी ठीक रहेगा, फाइनल में लटक गए। होता है, कई बार होता है, मतलब मैं CG आर्टिस्ट रह चुका हूँ तो पता है, कई बार ऐसा होता है कि मतलब अरे मैंने 2K में रेंडर किया था, 4K में जब फाइनल रेंडर करने गया लटक गया। तो ये सब बहुत फजीहत बढ़ा देता है। और बैकअप भी आपको रखना ही पड़ेगा फाइल, अगर आप अपना काम सीरियसली कर रहे हैं तो आप बैकअप रखोगे। अब बैकअप, अब अगर 4K भी में आपको ढंग से नैस चाहिए होता है, HD में तो मेरी बैंड बज रही है, और उसमें जिनके पास 4K करना पड़ता है तो ढंग का नैस चाहिए होता है। और वहाँ पर आप देख सकते हैं कि लाइनस मीडिया ग्रुप से उनको पूरा सर्वर रूम रखा हुआ है, तब जाके किसी तरह स्टोर कर पा रहे हैं। तो ये समझिए। और मेमोरी कार्ड जो है, ये बात भी लोग ध्यान नहीं देते कि मेमोरी कार्ड जैसे आपका है वो कितना मिनट रिकॉर्डिंग कर पाएगा। जैसे कि अभी के टाइम में फुल HD अगर आप रिकॉर्डिंग कर रहे हैं ना, आप ऐसा मेमोरी कार्ड खरीद सकते हैं जो मान लीजिए आप एक टूर पे गए, छुट्टी में गए, घूमने गए, पूरा छुट्टी का फुटेज आपका आराम से मेमोरी कार्ड में अट जाएगा, आपको दोबारा खाली करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 8K जैसे छुए हर 15 मिनट में खत्म होने लगेगा, ये बात भी सोचना पड़ता है। और ये बात आप देखिए, जैसे सीफास्ट एक्सप्रेस कार्ड टाइप भी जो अवेलेबल है वो आप खरीद लेते हैं, लेकिन पता चला उसमें ज़्यादा बड़ा फाइल साइज आता ही नहीं है। मतलब मैथमेटिकली 2-3 TB से ऊपर जाना चाहिए, लेकिन आता थोड़ी है मार्केट में 2-3 TB का। तो ये भी सोचना पड़ता, फाइल साइज हर हालत में बढ़ेगा, हर हालत में आपको रुलाएगा, हर हालत में तकलीफ देगा, इसीलिए सोच समझ के इसके ऊपर कूदे। मतलब HD से 4K में आपको अंतर दिखेगा, बहुत बड़ा नहीं होगा, ये मत सोचे खुद ये वो हो जाएगा, ऐसा नहीं होना, वो सिर्फ SD से HD में होता है, HD से 4K में ठीक है। और अगर आप और अच्छे से करें तो 4K HDR पर मेहनत करें, और अगर आप 4K HDR ढंग से दिखा पाते हैं अति उत्तम, 4K से 8K में कूदने में वो अंतर उतना नहीं देगा। प्लस ये सब तो आपको रुला ही देगा, क्योंकि नॉर्मल हार्ड ड्राइव तो फीड भी नहीं कर सकता 8K का फुटेज को।
अब बात करते हैं मायने क्या रखता है। मैं हर बार ये कहता हूँ कि आप हमेशा से ये समझिए कैमरा में आप क्या जोड़ सकते हैं क्या नहीं जोड़ सकते। कैमरा का अगर कोर अच्छा है, मतलब जो मेन सेंसर से डेटा निकाला जा रहा है वो सही है, आप गदगद कर सकते हैं, आप उसकी सारी समस्याओं के इर्द गिर्द काम कर सकते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर सिनेमा कैमरा में ऑटो फोकस होता ही नहीं है, लेकिन इतना बम रहता है कि एक बंदे का जॉब रहता है जैसे कहते हैं फॉलो फोकसर, वो फोकस करते रहता है एकदम बढ़िया से आराम से करता है, सब बम हो जाता है। तो वहीं पर समझिए कि अगर आपके पास सेंसर बड़ा है, जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पर दादाजी कैमरा के बारे में बात करते हैं, एलेक्सा 65 35 mm से बहुत बड़ा है, 65 mm से है। फिर रेड कैमरा में माइस्ट्रो 8K का वीवी करके एक सेंसर के लिए वो 45 mm वाइड है, मतलब अल्ट्रा वाइड सेंसर टाइप है। तो ये सब में अगर आप 8K ला रहे हो गदगद है, लेकिन क्या होगा अगर 8K आप 35 mm का डाल रहे हो, अब आप कॉम्प्रोमाइज़ कर रहे हो। यानी कि 35 mm में 4K का मतलब होता है पिक्सल साइज कितना बड़ा होता है, वो मान लीजिए एक्स मान के चलिए, अगर वहीं आप 8 कर देते हैं x/4 हो जाता है, नॉइज़ बढ़ जाएगा, कलर रेजोल्यूशन खराब हो जाएगा, डायनेमिक रेंज घट जाएगा। आपको ये सबको वापस ठीक करने के लिए यही करना होगा कि या तो बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करो या तो बैठ के उसको फिर से डाउन स्केल करो, घूम फिर के आप वहीं आ गए। और इसीलिए और रेजोल्यूशन के पीछे काफ़ी लोग भागते हैं बिना सोचे समझे, उसमें एग्जांपल के तौर पर देना चाहूँगा, सबसे एडवांस कैमरा है सिनेमा मार्केट में अभी अवेलेबल एलेक्सा 65 mm, सबसे बड़ा सेंसर है ये, मतलब इससे बड़ा है, रेड से बड़ा है। इसका रिकॉर्डिंग रेजोल्यूशन 6.5K है, 8K भी नहीं देता, ज़रूरत ही नहीं है। और इसका फायदा ये होता है, इतना बड़ा सेंसर में ये रिकॉर्डिंग कर रहा है कि इसका लो लाइट परफॉर्मेंस सोनी A7S में, अरे चल रहे हटो रे हटो, बच्चों के लिए नहीं हटो, समझिए उस लेवल पर है। तब अगर आपके पास बड़ा सेंसर है तब बड़ा रेजोल्यूशन के पीछे भाग रहे, जो कि आजकल मतलब स्टार्ट होने लगा। और आप बोलेंगे अरे इसको कौन इस्तेमाल करता है, आपका जोकर में इस्तेमाल किया गया था, आपका एंड गेम और इन्फिनिटी वॉर में इस्तेमाल किया था, आपका नेटफ्लिक्स में अभी डार्क के पीछे जो सब लोग पकड़ रहे हैं वो इसी में शूट हुआ है। आप जाके एलेक्सा के साइड पर देखिए कि इससे कितनी चीज़ शूट हुए हैं, मतलब बम बम चीज़ शूट हुआ, डिजनी से लेकर मतलब नेशनल ज्योग्राफी तक सब चीज़ इसमें शूट होना है, उनके लिए 6.5K काफ़ी है। तो वही समझिए, बड़े सेंसर में बड़ा रेजोल्यूशन बम बम होता है, छोटे सेंसर में जबरदस्ती का जैसे 12K ब्लैक मैजिक जो कर रहा है वो सिर्फ हाइप के लिए, उसका एक दो फायदा है कि जैसे मतलब वो टीवी में करना चाहते हैं कि एक कैमरा एक जगह पर रहेगा, उसमें दो 4K क्रॉप निकाल देंगे और क्रॉप दिखा दिखा के मतलब एक ही कैमरा से दो कैमरे का काम करने की कोशिश करें, उस मामले में फायदा होगा। लेकिन क्या वो कैमरा इसके कंपेयर में आएगा, नहीं, सवाल ही नहीं होता, दूर दूर तक नहीं बात होता। तो इसीलिए ज़रूर समझिए कि बड़ा कैमरा अगर आपके पास है, यानी कि बड़ा सेंसर साइज फुल फॉर्मेट से ऊपर चले जा रहे हैं, लार्ज फॉर्मेट में बात करें, मीडियम फॉर्मेट बात इंजॉय कीजिए, उससे नीचे आप दे ज़्यादा रहे हैं, आप कॉम्प्रोमाइज़ ज़्यादा कर रहे हैं, फ़ायदा आपको कम मिल रहा है। और ये समझिए, यहाँ पे काफ़ी लोगों को मतलब जो स्टार्टिंग में घुसते हैं, मतलब यूट्यूब वर्ल्ड में घुसते हैं, अभी ताज़ा ताज़ा खरीदना चाह रहे हैं, वो सबसे ज़्यादा बेवकूफ़ करते हैं, कैमरा सबसे पहले चुनते हैं, लेंस बाद में चुनते हैं। लेंस पहले चुनिए, आप ले लेते हैं बम बम कैमरा ले लेते हैं और गया गुजरा लेंस लेते हैं, आउटपुट वैसा नहीं आएगा जैसा आना चाहिए। कई बार लोगों के साथ होता है कि भैया मैंने तो ले लिया 4K कैमरा, लगाए लेंस बेसिक वाला एकदम किट लेंस लेके चल रहे हैं, ख़राब नहीं है लेकिन समझ वो फील नहीं आया। वहीं पे कोई भयानक शार्प लेंस ले लेता है और उसको फुल HD में लगा देता है, गदगद फील आ रहा है। तो इसीलिए समझना बेहद ज़रूरी है, लेंस पे खर्च कीजिए। लेंस के बाद दूसरा एक चीज़ जो सब लोग इग्नोर करते हैं और जो प्रोफेशनल एकदम दूर से ही समझ जाएंगे कि ये बजट में निपटा रहा है, लाइट्स पे खर्च करो। एग्जाम्पल के तौर पर RE के लाइट्स बहुत महंगे आते हैं, मतलब आपको गाड़ी सस्ता लगने लगे इतने महंगे इसके लाइट आते हैं, मुझे भी नहीं समझ में आता इतना क्या है उसके लाइट में, LED ही है, नॉर्मल LED है तो इसमें है क्या। उनका CRI बहुत अच्छा होता है, कलर रेंडरिंग इंडेक्स जो है बहुत अच्छा होता है, स्पेक्ट्रम एनालिसिस अच्छा करते हैं, मतलब आप प्रिज्म से इनका लाइट निकालेंगे ऑलमोस्ट सनलाइट जैसा सिग्नेचर मैच करेगा उससे, मतलब तुरंत आपको जो लोग लाइटिंग में काम करते हैं वो तुरंत बता देंगे, एक गया गुजरा कैमरा में ढंग की लाइट से और एक बेसिक जो सस्ता चाइनीज़ लाइट हम लोग ले लेते हैं वो चाइनीज़ लाइट से दिखा देंगे, तुरंत फर्क नहीं पड़ता होगा कैमरा कितना अच्छा है, स्किन टोन आएगा ही नहीं सही क्योंकि लाइट ही सही नहीं है। तो उससे बचने के लिए लोग जनरली आउटडोर शूटिंग करते हैं और बड़े बजट में कभी भी ढंग का लाइट से कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करते, जो हम लोग ध्यान नहीं देते लेकिन बहुत मायने रखता है, खास करके आर्टिफिशियल और इंडोर उनडोर में करना है बहुत मायने रखता है। तो वही समझिए, लेंस पे खर्च कीजिए, लाइट्स पे खर्च कीजिए, तुरंत आपका सस्ता कैमरा भी बम बम आउटपुट देने लग जाएगा अगर उस पे खर्च करते हैं। फिर HDR पे खर्च कीजिए, जो आज अभी सबसे बड़ा एक्चुअल बेनिफिट लोगों को दिख रहा है कि हाँ 4K में वो ठीक है, बस रेजोल्यूशन बढ़िया थोड़ा सा है, और काफ़ी लोग तो बुरा लगने लगता है क्या कि मतलब एक एक चेहरा का झुर्रियाँ दिखने लगता है, क्रैक दिखने लगता है, मतलब कोई एक बंदा फोटो दिखा रहा था, ये मीडियम फॉर्मेट पे लिया होता है एक मॉडल का फोटो, होंठ पे लिपस्टिक लगा हुआ था, लिपस्टिक के ऊपर मतलब वो मतलब जो डेड स्किन होती है वो खड़ा रही वो दिख रहा था, थोड़ा ज़्यादा हो गया। तो वही समझिए कि आप कहाँ पर ध्यान देते हैं उसको ज़रूर समझिए।
फिर ऑडियो पे लोग काफ़ी लोग पैसा बचाते हैं, ऑडियो पे खर्ची है तुरंत। ऑडियो तो सबसे पहले, मतलब बम बम 4K के भरसे से एक ठीक फुल HD और बम बम ऑडियो ज़्यादा चलेगा, तो ऑडियो पे खर्च कीजिए। फिर सेटअप होता है, जैसे कि जिसके बारे में आप नहीं सोचते हो कि कैमरा का ट्राइपॉड कैसा है, ग्लाइड कैम ले रहे हैं कि नहीं, गिम्बल ले रहे हैं कि नहीं, केज ले रही है, ये सब छोटे छोटे चीज़ें हैं जिसके बारे में आप नहीं सोचते हो, लेकिन जब आप प्रोडक्शन हाउस चलाने का सोचोगे, अरे तेरी तो मेरा 6-7 लाख रुपये तो यही सब खा गया। इसीलिए उस पर भी ध्यान दें। और फिर बैकअप, फाइल का बैकअप हमेशा होना चाहिए, क्योंकि एक बार उड़ गया दोबारा आपको मौका नहीं मिलने वाला ठीक से करने के लिए। तो ये बात जरूर समझे, रेजोल्यूशन के पीछे बस भाग ना जाए। और ये जरूर याद रखें, पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न्स, ठंडे दिमाग से, बड़ा कैमरा है, बड़ा लेंस है, बड़ा सेंसर है, इंजॉय मारिए, 8K लीजिए, मिलेगा कहाँ से पता नहीं, लेकिन ठीक है, इंजॉय मारिए। अब वो मतलब आपका डनकर्क में फिल्म, वो भी मीडियम फॉर्मेट फिल्म पे रिकॉर्ड करता, फिल्म की स्कैनिंग भी 6K ही थी, तो इसीलिए समझ समझा बस 8K 8K 8K, कोई जरूरत नहीं, पॉइंट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न क्रॉस कर चुका है, उतना फायदा नहीं होगा, नुकसान ज़्यादा ज़रूर होगा। तो अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं बम बम, नहीं कर सकते तो वो पैसा जो आप रखें कि मैं 8K पे लूँ, उसको हटा के इधर उधर डाल दें, क्योंकि जैसे कि लाइट में डालने में तुरंत सबसे फर्क पड़ता है। और लाइट में आपको ज़रूरी भी नहीं कि RE जैसा लाइट लें, आप की लाइट लें, फिल लाइट लें, ये सब लगा के जो ढंग से लाइट अप सेटअप करेंगे, तुरंत लोगों पर, अरे यार इसका मतलब फुटेज में फील आ रहा है। तो वही समझिए कहाँ पे पैसा लगाने से फ़ायदा ज़्यादा होगा, उसको पहले कीजिए, जब आप ये सब हो गया कि मेरे पास सब है, उसके बाद 8K में कूदिए। तो ये था मेरा प्रेजेंटेशन एक आम लोगों को ठंडा करने के लिए, कि भैया 4K 8K का क्या लोचा है। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा हो, कुछ सीखने मिला हो, कुछ समझ में आया हो। अगर ऐसा है लाइक कर दें, दोस्तों का शेयर कर दें, उससे मेरा काफ़ी भला होगा। नहीं अच्छा लगा, नहीं पसंद आया, कोई बात नहीं, आप डिसलाइक कर सकते हैं, मैं कहूँगा डिसलाइक 2 बार दबाएँ, उससे मुझे पता चलेगा कितना ना पसंद हुआ है। मैं आपसे कहूँगा कॉमेंट लिखें, क्योंकि हर कमेंट जवाब देने की कोशिश करता हूँ। आपसे कहूँगा सब्सक्राइब कीजिए, बेल दबाइए अगर आप फ्री हैं तो। आपने मेरा वीडियो देखा जानकर मुझे बहुत खुशी हुई, धन्यवाद।